हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ हम लड़कियों का फेवरेट टॉपिक। वैसे आप लोग टाइटल लिख के जाने गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। तो आज का जो वीडियो है माय लिपस्टिक कलेक्शन, मेरे पास कौन कौन से लिपस्टिक का कलेक्शन है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। इतना कुछ ज़्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं है मेरे पास, बस जो भी है मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया हुआ है माय ईयर रिंग्स कलेक्शन। जैसे मैंने बताया था कि अभी जो है फेस्टिव सीज़न चालू ही होने वाला है, तो फेस्टिव सीज़न में ज्वेलरी के साथ साथ मेकअप के लिए भी हम लोग देखते हैं। तो मेरे पास जो जो लिपस्टिक का कलेक्शन है तो शायद उससे आपको कुछ आइडिया आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही मुझे छोटा सा बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैं बताती हूँ मेरे पास कौन कौन सा कलेक्शन है। तो ये रहा, ये वाले बॉक्स में मेरी सारी लिपस्टिक मैंने रखी हुई है। तो सबसे पहले जो मेरे पास शेड है ये बुलेट लिपस्टिक है और ये है लैक्मे 925 की लिपस्टिक और इसका शेड है 23 प्लम रोज़। तो मैं इसका शेड आपको बता देती हूँ कि ये किस तरीके से है। तो ये बुलेट लिपस्टिक है, मैट क्रीमी टेक्सचर है इसका और इसका जैसे मैंने शेड बताया कि ये है प्लम रोज़ 23। और ये देखिए इसका कलर कुछ ऐसे है, मैं आपको इसका स्वाच भी बता देती हूँ कैसा है। देखिए इस तरीके से इसका जो कलर है वो कुछ इस तरीके से है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है इस लिपस्टिक का। तो ये कुछ इस तरीके से इसका शेड है। तो ये वाला जो शेड है ना ये सबके सारे स्किन टोन के ऊपर जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए ये काफ़ी अच्छा शेड है। तो इंडियन स्किन टोन के ऊपर ये इजीली जाता है। तो आप चाहो तो एक ये वाला भी ऑप्शन बाय कर सकते हो, ये लोकल मार्केट में भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और इवन आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। तो ऑनलाइन भी आप इसको चेकआउट जरूर करिएगा। लैक्मे 925 23 प्लम रोज़ इसका शेड है। तो इसके अलावा जो मेरे पास है ये पर्पल की लिपस्टिक। तो ये पर्पल का जो शेड है ये वाला है ट्रैवल पार्टनर 7। तो ये ना मैंने ऑफर में बाय की थी 250 या 300 समथिंग आसपास। तो इसका जो आप देख सकते हो ये मैग्नेट वाला है, तो ये बहुत इजीली अच्छे से फिट हो जाता है, निकलता नहीं है, काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाता है। तो मैं इसका शेड आपको बताती हूँ ये कैसा शेड है। ये हल्का सा जो है पिंक अंडरटोन में आता है। इसका भी कलर आप लोग देख लीजिए कैसा है। लगभग ये बिना मैट लिपस्टिक है, इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सूखने के बाद बहुत अच्छी लगती है और ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है ये। तो ये वाला कलर है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और ये भी मीडियम टू फेयर और मीडियम टू डार्क स्किन के ऊपर भी अच्छे से चली जाएगी। तो मैंने इसको पर्पल से ही बाय किया था, आप भी चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो पर्पल। मैं आगे बताती हूँ इसका शेड ट्रैवल पार्टनर 7, तो आप इसको वहाँ से जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। और उसके बाद जो है मेरे पास लिपस्टिक वो है रेवलॉन की। तो रेवलॉन का ये जो शेड है ये 389 इसका शेड नंबर है। ये ना बहुत अच्छी है और ये मैट नहीं है, क्रीमी मैट है। तो इसका जो शेड है ये भी बहुत अच्छा है, ये भी फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा शेड है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया ये वाला शेड, ये आप देख सकते हो ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, ये ट्रांसफ़र हो जाती है इजीली। तो आप देख लीजिए कैसे आपको यूज़ करना है। इसके अलावा मेरे पास लिपस्टिक है ये वाली, तो ये है ग्रे कॉन कॉस्मेटिक्स का इलेको 119 शेड है इसका। तो ये भी ना बहुत अच्छा शेड है, ये मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा फेवरेट शेड है इसका। लगभग जो है इसी कलर में जाता है जो मैंने लैक्मे 925 का शेड बताया, लगभग उसी शेड में है ये। और ये भी ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, ये ट्रांसफ़र हो जाती है ईजिली। तो ये देखिए इसका शेड ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है बट हल्का सा जो है रेड अंडरटोन में है। ये भी सारे स्किन टोन को सूट करता है, सारे स्किन टोन के ऊपर इजीली ये जाता है। तो आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो। बस ये एक लिपस्टिक है और ये है कौन रिमल 17 का। ये मैंने कुछ आसपास के शॉप से लिया था। तो ये जो है ना रेड कलर में लिपस्टिक है और ये बहुत अच्छी, लेकिन ये भी ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, ये ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है, बहुत जल्दी से ये इधर उधर फैल जाती है। मैं इसका भी आपको शेड बताती हूँ कैसा शेड है ये वाला। इसका शेड ना बहुत सुंदर है और इसका फॉर्मूला भी जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत क्रीमी है, इजीली आपके लिप्स पे जो है ग्लाइड हो जाता है, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो ये देखिए अब ये लास्ट वाला शेड है इसका। तो मैंने कुछ ऐसे ही शेड बाय किए हुए हैं जो हर स्किन टोन के ऊपर ईजीली जो है वो आ जाए, सूट करें, मैच करें, उसके हिसाब से मैंने कुछ लिपस्टिक बाय की हुई है। तो ये रहा इसका ये कलर। तो गाइज उसके अलावा जो मेरे पास है ये है बैक्स ब्यूटी की लिपस्टिक, आप देख सकते हो ये बैक्स ब्यूटी की मैट फिनिशिंग में है। ये क्रीमी, ये बुलेट लिपस्टिक है, दिखने में क्रीमी दिखती है लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ है। इसका लिंक तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये जो लिपस्टिक है ये
थाईलैंड बैंकॉक से मंगवाई थी। तो ये इसका जो शेड है ये न्यूड शेड में है, तो मैं इसका सॉच भी आपको बताती हूँ। तो इसका शेड जो है ना बहुत सुंदर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला शेड। तो ये शेड भी जो है सारे स्किन टोन के ऊपर ईजीली जाता है, ये आप देख सकते हो ये शेड। और इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, ये लिपस्टिक मैं कई सालों से यूज़ करती हूँ, लगभग 2-3 साल हो गए होंगे। तो ये शेड जो है इसमें मेरा फेवरेट जो शेड है ना, ये वाला शेड जो मैंने बताया आपको, ये मेरा मोस्ट, इतने सारे शेड में से ये वाला शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी शेड जो है वो सारे स्किन टोन के ऊपर अच्छे से चला जाता है, अच्छे से मैच होता है। तो अगर आप चाहो तो आप भी ये वाला शेड देख सकते हो। वैसे इसका जो शेड है ये 010 शेड नंबर है। अगेन मेरे पास है बैक्स ब्यूटी की ये लिपस्टिक और इसका जो शेड है 900। तो इसका कलर देखिए, ये फुशिया कलर में दिखता है और ये जो है फेयर स्किन टोन के ऊपर अच्छे से जाएगा। इवन जिनका स्किन टोन वार्म वाला है उनके भी स्किन टोन के ऊपर ये अच्छे से जाता है। तो ये देखिए इसका जो शेड है ये कुछ फुशिया कलर में इस तरीके से दिखता है। तो ये भी क्रीमी मैट है, लेकिन इसकी जो लिपस्टिक की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। एक बार लगाने के बाद सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सूखने के बाद सारा दिन आपके लिप्स पे ये स्टे करती है। और इसके अलावा मेरे पास जो है अगेन बैक्स ब्यूटी का ही लिपस्टिक है और ये कुछ मरून कलर में आता है ये लिपस्टिक, और ये है 011 इसका शेड नंबर है। और मैं आपको इसका बता देती हूँ कलर, मेरा हाथ ही भर गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका कलर है। तो ये वाला भी जो कलर है ना ये सारे स्किन टोन के ऊपर ईजीली चला जाए। मैट फिनिशिंग में है तो बिल्कुल झंझट नहीं है, ये ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है। और इसके अलावा मेरे पास बैक्स ब्यूटी के और 3 शेड्स हैं, इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं की। ये वाला ओपन है, मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। तो ये जो है ना पिच कलर में है और इसका शेड है 012। तो 012 वाला शेड है, ये बिल्कुल फेयर स्किन टोन के ऊपर जाएगा काफ़ी अच्छे से। तो ये देखिए न्यूड लिपस्टिक लगती है पूरी, ये भी न्यूड पीच कलर में। तो ये वाला भी जो शेड है ना मैट है और काफ़ी अच्छा है, आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी ऑप्शन आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा दो जो मेरे पास लिपस्टिक है ये रेड अंडर टोन में है, एक डार्क कलर आप देख सकते हो आप, और ये वाला हल्का सा रेड है। तो इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, ये अभी वैसे पैक ही है। और इसका शेड है 004 एंड 005। तो अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से लिपस्टिक बाय कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और शेड मेरे पास वो ये है, लेकिन इसका जो है ना नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है, तो उसकी वजह से मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा लिपस्टिक है, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे लेकिन फिर भी। तो ये भी जो लिपस्टिक है कुछ आप देख सकते हो, इसका जो पैकेजिंग है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इसका जो शेड है ना कुछ इस तरीके से है, तो ये भी रेड अंडर टोन में है और ये भी मैट लिपस्टिक है। तो मैं इसका भी आपको कलर बता देती हूँ, अभी यहाँ से यहाँ तक तो हाथ भर ही गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका शेड है। ये ना इसको थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई करना पड़ता है, 2-3 कोट इसके अप्लाई करना पड़ते हैं। तो ये वाला शेड है, तो ये जो शेड है ये भी जो है हर एक स्किन टोन के ऊपर इजीली चला जाएगा, अच्छे से मैच हो जाएगा। तो ये कुछ मेरे पास लिपस्टिक के कलेक्शन थे, आई होप आप सभी लोग को मेरे ये मेरा जो ये लिपस्टिक का कलेक्शन है ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ ही में आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो अपने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है और साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी प्रोवाइड की हुई है इंस्टाग्राम की, आप चाहो तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।